गुड आफ्टरनून, सरिता राणा वर्चुअल किचन में आपका फिर से स्वागत है। आज जो मैं आपको रेसिपी बताने जा रही हूँ वो है रेड सॉस पास्ता की रेसिपी, जिसके लिए सबसे पहले मैंने गैस के ऊपर पानी बॉयल होने के लिए छोड़ दिया है। तो लगभग मेरा पानी बॉयल होना स्टार्ट हो चुका है, तो इसके अंदर मैंने हाफ टेबल स्पून के करीब मैंने नमक ऐड किया है और 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है। जैसे कि आप देख रहे हो ये मेरा पानी जो है वो बॉयल हो चुका है। तो अब इसके अंदर मैंने पास्ता लिया है, तो वो मैंने अब इसके अंदर पास्ता इसके अंदर ऐड किया है। मैंने 250 ग्राम के करीब पास्ता लिया है, तो आपने जितना आपने बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप इसके अंदर पानी लीजिएगा। और लगभग जैसे कि ये बॉयल हमारा सारा पास्ता इसके अंदर आना चाहिए, अच्छी तरह से इसके अंदर डूबना चाहिए। जैसे कि ये हमारा है, इतना पानी रह चुका है, तो अब हमने इसको बॉयल होने के लिए 2 से 3 मिनट तक छोड़ दिया है। जब तक हमारा जो है पास्ता बॉयल हो रहा है तब तक मैं टमाटर को बॉयल करने के लिए छोड़ देती हूँ। ये मैंने टमाटर लिए, इसको मैंने बीच में से इस तरह से कट कर लिए हैं। तो मैंने ये 3 टमाटर लिए हैं, तीनों टमाटरों को इसी तरह से मैंने बीच में से कट करके रखना है। और इसके अंदर हमें चाहिए साबुत लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च मैंने ये लिए। तो इसके अंदर से जितने भी ये दाने हैं वो मैंने इसके अंदर से निकाल देने हैं। इसको निकाल कर ही मैंने इनको इस तरह से साफ करके ही बॉयल करना है। तो इस तरह से ये मैंने पानी बॉयल होने के लिए छोड़ दिया है। अब इसके अंदर मैंने जो टमाटर थे जो मैंने बीच में से काट लिए थे वो मैंने इसके अंदर, 3 टमाटर लिए हैं तो वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और लाल मिर्च जिनके मैंने निकाल ली थी तो वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। इसको मैंने 2 से 3 मिनट तक इसको भी मैंने बॉयल होने के लिए छोड़ दिया है। मैंने 2 से 3 सूखी लाल मिर्च ली है, तो आप जिसके अकॉर्डिंग आप पास्ता बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग ही आपने लाल मिर्च लेनी है। तो मेरा पास्ता 250 ग्राम था, तो मैंने इसके अंदर 4 सूखी लाल मिर्च ऐड किया। ये देखिए ये हो चुके हैं हमारे 4 से 5 मिनट तक। हमें ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, क्योंकि ज़्यादा अगर हम देर तक पकाएंगे तो ये अच्छी तरह से बहुत ज़्यादा बॉयल हो चुके हैं, जो कि हमें उस तरह से नहीं चाहिए। तो ये ऊपर का जो स्टार्च है वो मैंने निकाल लेना है 3 से 4 चम्मच, क्योंकि ये हमारे जब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे तो उसके अंदर डालने में काम आएगा, जिससे कि हमारी जो ग्रेवी है बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो जिस तरह से हमने इतना सा मैंने स्टार्च निकाल लिया है, और अब हमने गैस को बंद कर दिया और अब हमने इसमें से पास्ते को बाहर निकाल लेना है। ये देखिए ये मैंने टमाटर और लाल मिर्च जो मैंने साबुत लाल मिर्च बॉयल होने के लिए छोड़ दिया था वो अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है। और ये देखिए ये टमाटर का जो स्किन है वो भी ये देखिए बहुत अच्छी तरह से निकल रही है। तो अभी मैंने इसको छलनी के अंदर छान लेना है और मैंने इनको ठंडे पानी के अंदर इनको डाल देना है। ये देखिए ये मैंने सारा पानी निकाल लिया है और इसके ऊपर जो इसकी जो स्किन है वो मैंने इसको निकाल लेनी है इस तरह से, अच्छी तरह से। ये भी थोड़ा गर्म है तो आप थोड़ा सा ध्यान से निकालिएगा, तो आप किसी भी चाकू की सहायता या स्पून की सहायता से इसको निकाल सकते हो। और इसको मैंने इधर ठंडा पानी लिया है उसके अंदर डाला है। पानी आप क्वांटिटी जो ठंडे पानी की है वो कम ही रखी है, क्योंकि इसी पानी का हमने जब हम पास्ता बनाएगा तो इसका भी हमने यूज़ करना है। तो सारी चीज़ों को हमने लाल मिर्च को और टमाटर के सभी स्किन उतार कर हमने ठंडे पानी के अंदर ऐड करना है। ये देखिए ये मैंने इसको ठंडे पानी में निकाल लिया, तो अब मैंने इसको इसका पेस्ट रेडी करना है और इसी पानी के साथ ही मैंने इसके अंदर ये सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। और मैंने इसका एक टमाटर का और लाल मिर्च का एक मैंने प्यूरी रेडी किया। तो ये देखिए ये हमारी जो प्यूरी थी ये मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी कर ली है। तो अब मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। तो अब इसके अंदर मैंने जो प्याज लिया था, प्याज मैंने 3 लिए थे, उसको भी मैंने ब्रेड काट लिया, तो उसको मैंने इस तरह से इसी के अंदर ऐड कर लिया है। देखिए ये हमारे प्याज है जो मैंने ब्राउन होने तक उसको भून लिया। अब मैंने इसके अंदर एक शिमला मिर्च ली है जो कि मैंने इसको भी ब्रेड काट लिया था। तो इसको अच्छी तरह से मैंने इसको भी इनके अंदर मिक्स कर लेना। हमने इन सभी वेजिटेबल को अच्छी तरह से पकाना नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा हमने 1-2 मिनट तक हमने इसको रोस्ट करना है। तो इस तरह से हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है।
ये देखिए मैंने 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छे से पका लिया। अब मैंने जो प्यूरी रेडी की थी टमाटर की और लाल मिर्च की, वो इसके अंदर ऐड कर लिए। जैसे ही हम प्याज टमाटर इसके अंदर ऐड करते हैं तो अब हम इसके अंदर मसाला ऐड कर रहे हैं। नमक मैंने इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो। लाल मिर्च का पाउडर वो भी मैंने थोड़ी मात्रा में लिया, क्योंकि मैंने इसके अंदर जो सूखी लाल मिर्च थी जो वो मैंने अच्छी तरह से ऐड किया है। तो अब जैसे ही हमने नमक ऐड किया है, अब ये हमने इनको अच्छी तरह से मिलाना है और अच्छी तरह से इसको हमने इसकी जो प्यूरी है वो रेडी करनी है। तो आपको मैं एक टिप देना चाहती हूँ, जैसे ही हम प्याज और टमाटर की हम प्यूरी रेडी करना करते हैं, जल्दी रेडी करना चाहते हैं, तो जैसे ही हम प्याज टमाटर डालते हैं तो उसके अंदर आप नमक साथ के साथ ऐड कर दीजिएगा, फिर वो बहुत ही जल्दी है जो प्यूरी उसकी रेडी हो जाती है। तो ये देखिए, ये हमारा जो मैंने वेजिटेबल है जो मैंने रेड सॉस पास्ता के लिए रेडी किया था, तो वो हमारा अभी अच्छी तरह से पक रहा है। तो इसी स्टेज पे हमने जो मैंने पास्ता के अंदर से वो स्ट्रैप निकाला था वो इसके अंदर मैंने ऐड करना है, जिससे कि जो हमारा जो पास्ता है वो बहुत ही अच्छे टेस्ट में बनेगा और बिल्कुल जो हम रेस्टोरेंट में पास्ता खाते हैं उसी स्टाइल से हमें हमारा ये बनकर रेडी होगा। तो इसी तरह से अभी हमने इसको 5 से 7 मिनट तक इसी तरह हमने इसको पकाना है। ये देखिए, ये हमारा जो पानी था अब अच्छी तरह से सभी वेजिटेबल में मिक्स हो चुका है, ये बहुत ही गाढ़ी ग्रेवी बनकर रेडी हो चुकी है। तो अब मैं इसके अंदर पास्ता ऐड करती हूँ। ये देखिए, ये मैंने इसके अंदर जो सब कुछ वेजिटेबल वगैरह ऐड किया था, बहुत अच्छी इसकी रेड कलर की ग्रेवी बनकर रेडी हो चुकी है। तो अब मैंने जो पास्ता ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था, ये देखिए, ये भी बहुत अच्छी तरह से बॉयल हुआ है और अच्छी तरह से अब मैंने इनको अच्छी तरह से इसके अंदर सभी पास्ते को इसके अंदर ऐड करना है। ये देखिए, ये हमारा रेड सॉस पास्ता बनकर रेडी हो चुका है, ये मैंने इसके अंदर मिक्स कर लिया है। ये देखिए, ये हमें जितनी क्वांटिटी के अंदर मैंने इनका पानी को सुखाना था उसी तरह से सुखाया था, और जितना मेरा पास्ता था वो अच्छी तरह से उसी ग्रेवी के अंदर मिक्स हो चुका है। ये देखिए, ये पास्ता का एक एक पीस अलग हो चुका है, ये देखिए, कोई किसी तरह से भी एक के साथ एक चिपका हुआ नहीं है। तो आपने इसी तरह से बॉयल करना है, क्योंकि अगर आपने इसको बिना नमक के बिना ऑयल के बॉईल किया तो वो एक दूसरे से पास्ता है जो चिपक जाता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी तरह से बॉईल नहीं हो पाता। तो इस तरह से ये देखिए, ये बहुत हमारा एक एक पीस अलग हो चुका है। तो अब इसी स्टेज पे मैंने गैस को ऑफ करना है और अब इसके अंदर मैंने ऑर्गेनो ऐड करना है। पहले मैंने इसके अंदर एक पाउच ऐड करना है, ये मैंने पाउच वाला ही लिया है ऑर्गेनो, जो कि आपको मार्केट के अंदर 1 रुपीज़ का बहुत इजीली अवेलेबल होगा। इससे क्या है कि हमारा जो पास्ते का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। इस हमारा रेड सॉस पास्ता बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैंने इसके ऊपर चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनो थोड़ा सा और ऐड किया है। अगर आप चिली फ्लेक्स को स्किप करना चाहते हो तो आप स्किप कर सकते हो। तो प्लीज़, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ रीता राणा वर्चुअल किचन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।